తారుకు ఓలి మరసలేమో మినిక్షకయ తారుకు ఓలి మరసలేమో అరే మోదీ మర్ గయా హై హై మోదీ మర్ గయా హై హై ఓ బైనా రోలో హై హై ఓ బైనా రోలో హై హై ఓ భాయో రోలో హై హై ఓ మిల్కర్ రోలో హై హై ఓ సారే రోలో హై హై ఓ సారే రోలో హై హై ఓ భాయో రోలో హై హై ఓ భాయో రోలో హై హై ఓ భాయో రోలో హై హై ఓ బైనో రోలో హై హై యోగి సర్కార్ జిందాబాద్ యోగి సర్కార్ జిందాబాద్ క్యూ ఐసా కర్ రహే హ్ ఆప్ सर इसलिए ऐसा कह रहे हैं जो हमारी बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जा रही है और हमारे अधिकार कुछ आज जो भी हैं बचे कुचे उनको भी वापस लिया जा रहा है। हमारे मजदूर दाड़ी मजदूर के करके खाते हैं। आज मोदी सरकार उसका भी छुटवाने के ऊपर चली हुई है और हमारी एक बहन का आधी रात को इसका किसी को पता नहीं लगता। न बाप से मिलाया जाता, न बहन से मिलाया जाता, न भाई से मिलाया जाता। तो ये हमारे पर अत्याचार है। हमें दलित भंगी चूड़ा कह के ये जो जाट है, ये जो ठाकुर है, इन्होंने हमारे साथ बहुत से गलत अत्याचार कराए। अब हम सारे जितने भी दलित भाई हैं हम एक होके रहेंगे और इस सरकार को गिरा के लेंगे गिराएंगे। ये हमारा वादा आपसे। मोदी सरकार, मोदी सरकार, पटेल नगर विधानसभा से। ये हम लोग एक बेटी के लिए लड़ाई नहीं कर रहे। अक्सर ये हादसे होते रहते हैं, कभी निर्भया के साथ, कभी आसिफा के साथ, कभी मनीषा के साथ। पता नहीं कितनी ऐसी बेगुनाह लड़कियां मौत के घाट उतारी जाती है, उनके साथ इतने कुकर्म किया जाता है। लेकिन हमारी सरकार, हमारा प्रशासन जाग नहीं रहा, ना जागरूक हो रहा। इसने विकास लाना चाहता था, इसने तो पिशाच पैदा करा दिए। पिशाच ऐसे पैदा करा दिए कि लड़कियों की अचमच से खेलना है, उनको जान से मार रहा है, उनकी जीभ काटी जाती है, उनकी हड्डी तोड़ी जाती है। लेकिन हमारी प्रशासन जाग नहीं रही। क्या डिमांड कर रहे हैं आज आपको? हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो ऐसा कानून लागू करे जिससे हमारी बेटियाँ और महिलाएं सेफ रहे, सुरक्षित रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे। जब देश सुरक्षित रहेगा जब ही हम लोग तरक्की के रास्ते पर होंगे।